कादरे मुतलिक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो ज़मीन की हदों को सरका देते हैं, वो रेवड़ों को ज़बरदस्ती ले जाते और इन्हें चराते हैं, वो यतीम के गधे को हांक ले जाते हैं, वो बेवा के बैल को गिरो लेते हैं, वो मोहताज को रास्ता से हटा देते हैं, ज़मीन के गरीब इकट्ठे छुपते हैं। देखो वो बियाबान के गोरखोरों की तरह अपने काम को जाते और मुशक्कत उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बियाबान उनके बच्चों के लिए खुराक बहम पहुंचाता है। वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूर की खोशा चीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और जाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं और किसी आड़गे न होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिरो लेते हैं, सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पोलियां ढूंढते हैं। वो इन लोगों के इहातों से तेल निकालते हैं, वो उनके कुंडों में अंगूर रोनते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग कराहते हैं और ज़ख्मियों की जान फरियाद करती है, तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो उसकी राहों को नहीं जानते ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है वो, गरीब और मोहताजों को मार डालता है, और रात को वो चोर की मानिंद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजर रहती है, वो कहता है किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सींद मारते हैं, वो दिन के वक्त छुपे रहते हैं, वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि इन्हें मौत के साये की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेजरो है, ज़मीन पर उनका बकरा मलाउन है, वो ताकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, ऐसा ही कब्र गुनहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मज़ा से खाएगा, उसकी याद फिर ना होगी, नाराज़गी दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बांझ को जो जनती नहीं निकल जाता है और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुव्वत से ज़बरदस्तों को भी खींच लेता है, वो उठता है और किसी को ज़िंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं, और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ता से उठा लिए जाते और अनाज की बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। आमीन।